हेलो एवरीवन, इट्स वो मी एंड वेलकम टू माय चैनल क्रेजी क्राफ्टी बटरफ्लाई। तो सबसे पहले तो सॉरी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है और दिवाली को कुछ ही दिन बचे हैं और मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे, इंस्टाग्राम पे मैसेज भी आ रहे थे, बट वीडियो सीरियस लेट हो गया क्योंकि ना मैं जो बना रही थी वो मुझसे टूट गया, ख़राब हो गया और मैं वैसे भी कोई इतनी एक्सपर्ट तो हूँ नहीं कि मुझसे चीज़ें ख़राब नहीं होगी, मुझसे चीज़ें टूटेगी नहीं। मुझसे भी बहुत सारी चीज़ें मैं जब बनाती हूँ तो टूट जाती, ख़राब हो जाती है, तो परफेक्ट नहीं बनता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुझसे सारी चीज़ें ही परफेक्ट बने, तो मुझसे भी बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती, तो इस वजह से मेरे उसमें 2-3 दिन लग गए और फिर मुझे फटाफट से नया कुछ बनाना था तो उसमें फिर मेरे 2-3 दिन और लग गए, इस वजह से वीडियो इतना लेट हो गया। बट कोई नहीं, आप अभी भी ईजीली बना सकते हैं, अभी भी बहुत टाइम है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियोस लेकर आती उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने लिया ये केक बोर्ड और इसको मैंने जैसो का एक कोट कर दिया। अगर आपके पास जैसो नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एक्रेलिक वाइट कलर से भी एक कोट कर सकते हैं। एंड इसके ऊपर मैंने मतलब स्केल से ऐसे लाइन ड्रॉ कर लिए और कुछ डिज़ाइन बना लिए हैं। आप अपने पसंद से जो डिज़ाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं या जो मैंने किया है वो आप सेम वैसे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ये केक बोर्ड नहीं है तो आप एमडीएफ बोर्ड भी ले सकते हैं या फिर कार्डबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके बाद मैंने लिया है होममेड क्ले, तो इसको मैंने वॉल पुट्टी और वाटर को मिक्स करके डो बना लिया था। आप चाहे तो कोई भी क्ले का यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पर मैं फेविकॉल का यूज़ कर रही हूँ और थोड़ा थोड़ा क्ले लेना है और हमने जो डिज़ाइन बनाया है ना उसके ऊपर हमें पेस्ट करते जाना है और जो एक्स्ट्रा से उसे हमें कट कर लेना है। तो बर्थडे तो सबका आता है और हर कोई बर्थडे सेलिब्रेट करता है और सब कोई अपने बर्थडे में केक भी कट करता है। तो केक कट करने के बाद जो बोर्ड होता है उसका, उसको बिल्कुल भी ना फेंके और मेरी तरह ऐसे बचा के रखे और काम आने पर, टाइम आने पर ऐसे इसका यूज़ करे। तो आप भी ऐसे मेरी तरह जुगाड़ कर सकते हैं। एंड मैंने पहले ही पेंसिल से कुछ डिज़ाइन बना लिए थे और अब मैं छोटे छोटे गोले बनाकर ऐसे चिपका लूँगी। और मैंने कुछ पेटल्स भी बनाए हैं, वो आपको वीडियो में दिख रहा होगा, पता नहीं यार क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर जो क्ले से छोटे छोटे पेटल्स बनाकर चिपका लूँगी। तो इसके आगे का क्लिप पता नहीं कैसे डिलीट हो गया, मुझसे डिलीट हुआ या फिर रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो देखो ये बनने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, आप तो वीडियो देख के समझ जाएंगे कि ये मैंने कैसे बनाया है। एंड उसके बाद मैंने अलग अलग कलर से यहाँ पे कलर कर दिया और इसको मैंने बहुत ज़्यादा कलरफुल रखा है क्योंकि दिवाली है और कलरफुल तो बनता है, तो मैंने इसे सारे कलर से पूरा भर दिया। तो कंप्लीट हो जाने के बाद अब बारी आती है मिरर्स की, और मिरर्स के बिना तो ये अधूरा है। और मैंने यहाँ पर अलग अलग शेप के मिरर्स यूज़ किए हैं। तो अभी आपको लग रहा होगा कि मैंने उतनी जगह खाली क्यों छोड़ दी, तो रुको ज़रा, अभी आपको आगे पता चल जाएगा। तो सारे मिरर चिपका लेने के बाद फिर मैंने लिया 3D आउटलाइनर और उससे मैंने कुछ डॉट्स बना दिए और भी मैंने एक्रेलिक कलर से भी डॉट्स बना दिए। तो क्योंकि वो खाली खाली अच्छा नहीं लग रहा था ना, आप चाहे तो इसे ऐसे भी रख सकते हैं, बट मैंने थोड़ा और हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर 3D आउटलाइनर का यूज़ किया है और एक्रेलिक वाइट कलर का यूज़ किया है। तो देखो ये अभी से इतना सुंदर लग रहा है, तो ये पूरा कम्प्लीट हो जाएगा, उसके बाद कितना सुंदर लगेगा। तो पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद आप चाहे तो इसे ऐसे भी डेकोरेट कर सकते हैं, पर मैंने इसमें कुछ थोड़ा सा ऐड किया है। तो जहाँ हमने खाली जगह छोड़े थे ना वहाँ पर मैंने ये लिया है ढक्कन और उसमें फेविकॉल लगा के मैंने यहाँ पर अच्छे से चिपका लिया है, और नीचे के साइड मैंने थोड़ा सा क्ले लगा दिया था और अच्छे से नीचे सपोर्ट बने इसलिए, और क्ले से चिपका दिया था। एंड पीछे के साइड ये जो हमने उस दिन केन से जो हमने कैंडल होल्डर बनाए थे ना, तो जो केन से ये निकला था ना उसके ऊपर ढक्कन से, तो ये मैंने रखा था मेरे पास, तो ये भी हमने पीछे के साइड चिपका दिया है। और मैंने अभी तो फेविकॉल से चिपकाया है लेकिन इसके ड्राई होने के बाद मैंने यहाँ पर फिर क्ले लिया और क्ले से मैंने ऐसे चिपका दिया, तो उससे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो चलो देखते हैं इसका फाइनल लुक।
तो अब बढ़ते हैं अपने सेकंड DIY की ओर। तो मैंने लिया ये सिल्वर फॉइल का रोल जो कि ख़त्म हो गया था, तो वो जो था उसका लंबा सा क्या बोलेंगे इसको, डंडा रोल, ठीक है जो भी। अब एंड अब लिया है वॉल पुटी डो और हमें रोल के ऊपर ऐसे स्प्रेड कर लेना है और हमें थोड़ा थोड़ा पानी लगाना है और पानी की हेल्प से ऐसे स्मूथ कर लेना है तो वो इतने थोड़े अच्छे से वो स्मूथ हो जाएगा। तो इसे बनाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, तो आप ग्लव्स का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा देर तक वॉल पुट्टी की वजह से हैंड में अजीब सा लगने लगेगा, क्योंकि मुझे लग रहा था मैंने ग्लव्स नहीं पहने थे तो, बट ऐसा कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, बस थोड़ा सा लग रहा था, वो मैं बार बार हैंड वॉश कर ले रही थी। तो बेसिकली हम यहाँ पर कैंडल होल्डर बना रहे हैं, तो जो लॉन्ग कैंडल स्टैंड होते हैं ना उसमें इस टाइप के डिज़ाइन बनी होती है, तो मैं वैसी बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें आप अपने पसंद से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, इसमें भी बहुत अलग अलग डिज़ाइन होती है तो आप उस टाइप से भी बना सकते हैं। तो मैंने बहुत सिंपल बनाया है, आप इसे इजीली बना सकते हैं। तो इसके कंप्लीट हो जाने के बाद ड्राई के लिए छोड़ दिया था, तो ड्राई होने के बाद इस तरह से दिखाई देगा। एंड अब मैंने लिया है ये दिया जो हमने कलर करके रखा था, तो इस दिए के ऊपर हमें ऐसे स्टैंड करना है और उसके ऊपर हमें वॉल पुट्टी लगा के ऐसे चिपका लेना है और पानी की हेल्प से हमें ऐसे स्मूथ कर लेना है। तो वॉल पुट्टी की हेल्प से हमें इसे चिपका लेना है जिससे वो अच्छे से स्टैंड हो जाए। वॉल पुट्टी को हमें अच्छे से स्प्रेड करना है और हमें पानी से अच्छे से स्मूथ कर लेना है और उसके बाद हमें ड्राई के लिए छोड़ देना है। तो ड्राई होने के बाद इस तरह से दिखाई देगा। एंड दूसरे साइड भी हम सेम वही करेंगे, वॉल पुट्टी से हम पानी लगा के थोड़ा स्मूथ कर लेंगे और हमें इसे रात भर के लिए ड्राई के लिए छोड़ देंगे। तो पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो आप चाहे तो यहाँ पे सैंड पेपर का यूज़ करके स्मूथ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर बहुत कम किया है क्योंकि मुझे इस टाइप का ही लुक चाहिए था। एंड उसके बाद मैंने ब्लैक एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा विंटेज वाइब चाहिए था, तो मैंने यहाँ पर ब्लैक करने के बाद फिर स्काई ब्लू लिया है और थोड़ा थोड़ा ऐसे कलर कर लिया क्योंकि मुझे थोड़ा सा विंटेज वाइब वाला लुक चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पर स्काई ब्लू कलर का यूज़ किया। एंड उसके बाद सिल्वर कलर से मैंने हाईलाइट कर दिया। आप चाहे तो इसे वाइट एंड गोल्डन में भी कर सकते हैं या आप अपने पसंद से कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं इसका फाइनल लुक। तो अब लिया है ये पेपर स्ट्रॉ और इन्हें कैसे बनाते हैं मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो में बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो में मैंने बताया है, आपने अगर नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। तो उस पेपर स्ट्रॉ लिया है एंड उसे ऐसे रोल करते करते हमें ऐसे रोल करते जाना है और जो लास्ट एंड है वहाँ पे हमें फेविकॉल लगा लेना है और हमें ऐसे चिपका लेना है। आप चाहे तो बीच में भी एक बार फेविकॉल लगा सकते हैं। एंड जैसे ही हमारा ये ख़त्म होता है हमें दूसरा स्ट्रॉ लेना है एंड फिर से हमें ऐसे रोल करते जाना है, रोल करते जाना है, तो हमें गोल गोल वो मिलते जाएगा, क्या कहेंगे उसको, पता नहीं जो भी। एक्चुअली ना मेरे पास वर्ड नहीं होते, मुझे तुरंत में समझ में ही नहीं आता क्या बोलना है, तो मैं कुछ भी बोलने लगती हूँ, कुछ भी बोल देती हूँ। तो बस सारे पेपर स्टॉक को हमें ऐसे एक के बाद एक ऐसे ऊपर रोल करते जाना है एंड ग्लू लगाते जाना है और सारे पेपर को, पेपर स्टॉक को हमें एक के बाद एक ऐसे चिपकाते जाना है, तो हमें इस टाइप का सर्कल मिल जाएगा। तो इसके ऊपर मैंने ब्लैक कलर से हमें कलर कर देना है, तो मैंने इसको पूरा ब्लैक कलर से कलर कर दिया। एंड इसके ड्राई होने के बाद मैंने गोल्डन कलर से इसके ऊपर गोल्डन कलर से कलर कर दिया। तो इसे आप एज अ कैंडल होल्डर यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसे कोस्टर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं इसका फाइनल लुक। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड इन एडवांस हैप्पी दिवाली।